क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 बाय 5 बीटा 2 बाय 5 कोमा 1 बाय 2। तो नाउ इसके अंदर हमें बीटा चाहिए यानी कि एक्स और 1 माइनस एक्स चाहिए, लेकिन इधर क्या है 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5। तो पुट कर देंगे, लेट पुट 1 माइनस एक्स रेस सॉरी एक्स रेस टू द पावर 5 इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास x क्या हो जाएगा t की पावर 1 बाय 5, तो dx क्या हो जाएगा 1 बाय 5 t की पावर 1 बाय 5 माइनस 1 यानी कि 1 बाय 5 t की पावर आ जाएगी माइनस 4 बाय 5 डी टी। ठीक है, लिमिट्स चेक करेंगे तो x 0 तो t भी 0 और x 1 तो t 1। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करा टी की पावर 1 बाय 5 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट 1 माइनस टी, डी एक्स की जगह क्या पुट करा 1 अपॉन में 5 टी रेस टू द पावर माइनस 4 बाय 5 डी टी। तो ये 5 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन में 5 इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी की पावर 1 बाय 5 माइनस 4 बाय 5 क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और इनटू में 1 माइनस टी की पावर माइनस 1 बाय 2, डिनोमिनेटर में था अंडर रूट यानी कि प्लस 1 बाय 2 था, तो न्यूमिनेटर में माइनस 1 बाय 2 और डी टी। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 5 इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी की पावर माइनस 3 बाय 5 और 1 माइनस टी की पावर माइनस 1 बाय 2 डी टी। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 बाय 5, बीटा में चेंज करो इसको, बीटा में माइनस 3 बाय 5 प्लस 1 क्या होएगा माइनस 3, क्योंकि बीटा एम एन क्या होता है इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 और डी एक्स। इधर एम माइनस 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो प्लस 1 करके जाते हैं, एम आ जाता है, तो इधर माइनस 3 बाय 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 बाय 5 और माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 1 बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड।